अत्रते कीर्तयिष्यामो इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, यह इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर समान बड़े विद्वान थे। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम धुंधली देवी था। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक इसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू, जब तक पड़ोसन से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए तब तक उसका भोजन ना हजम हो। इधर से उधर चुगली करके आपस में लोगों का झगड़ा करवाना या झगड़ा कर बैठना, यह सब विचित्र स्वभाव। पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे कि उसमें भी अपना निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपत्ति के मन में एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेकर कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, वह ब्राह्मण घर छोड़कर वन की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा आंसू बहाने लगा। एक संत निकल पड़े, ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो विचार आया कि इस वन में एकांत में आंसू बहा रहा है, निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्षु जिज्ञासु लगता है, चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। संत चले गए, पूछ लिया, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत ने पूछा, क्यों रो रहे हो भाई, कौन सी चिंता सता रही है, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। ब्राह्मण संत के सम्मुख और मुक्त कंठ रो पड़ा और चरणों में गिर पड़ा। किम ब्रवीमि रसे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णा मुपभुञ्जते। महाराज, अपने मन की बात आपको क्या बताऊं? ना जाने पूर्व जन्म के कितने पाप उदय हो गए। पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आँखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं। भगवान का दिया घर में सब कुछ है, पर संतान के बिना वह घर काटने को दौड़ता है। महाराज, मैंने एक गाय पाली पर वह भी बांझ है, उस गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ, वर्षों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया, वह भी कितना बड़ा हो गया पर अब तक उसमें एक फल नहीं आया, बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा, राम राम, हम तो कुछ और सोचकर आए थे, हमने तो सोचा कि प्रभु के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करेंगे, पर यह तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी अब इसका मार्गदर्शन कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। संत ने समझाने का प्रयत्न किया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। हे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोते हो, यह महाअज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है, इसलिए विवेक से काम लो और संसार के बेटा बेटी की वासना को निकाल दो। कौन किसका बेटा? ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा, राजा सगर के 60,000 बेटा हुए, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गए, पीढ़ियां लग गईं
तपस्या करते करते तब जाकर भगीरथ पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर एक बेटा हुआ। सो निकल पड़ा महानास्तिक बैन, ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या निश्चय है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज जी यह प्रवचन देना तो मुझे भी बहुत आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। आप बाबा बैरागी बेटे का सुख जानते हो ही क्या हो? छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहते हैं, तुतला तुतला कर मीठी मीठी बातें करते हैं, तो इतना आनंद आता है, कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। उस तोतली वाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए कि इसे बेटे का भूत सवार है, इस समय यह और कुछ नहीं सुनेगा। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है, तेरे माथे में तो स्पष्ट लिखा है कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नई बचा नई बचा, तू आज की बात छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना बढ़ गया। जोर से सिर पटक कर संत जी के चरणों में गिर पड़ा। संत जी घबरा गए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो मैं बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था, आपने दुख दूर करने की जगह 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्मों का हिसाब और सुना दिया। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, मैं तो निश्चित मर ही जाऊंगा, पर आपको भी जरूर ब्रह्महत्या लगेगी। मुझ ब्राह्मण का जो कष्ट है उसके कारण आप बनेंगे। संत जी की धड़कन तेज हो गई, भगवान यह व्यर्थ ही ब्रह्महत्या मोल ले ली हमने, अब यह क्या कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा, मैंने क्या किया है भाई? सोच विचार कर संत जी ने कहा, सुनिए ऐसा ना करो भैया, जब विधाता ने तुम्हारे ललाट पर संतान योग नहीं लिखा तो मैं कहाँ से दे दूँ? ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है, संत चाहे तो विधाता के विधान को पलट दें। संत जी समझ गए कि यह छोड़ने वाला नहीं, तुरंत भगवान का नाम लेकर एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति, यह फल देकर जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित उसको बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा, बस महाराज बन गया काम, अब तो जल्दी बतलाइए, कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे? संत बोले, नियम तो कुछ पालने पड़ेंगे, केवल खास नियम ज़्यादा नहीं है, एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, यह सब 2-4 नियम यदि तुमने ठीक से पालन करा लिए तो बहुत सुंदर बेटा होगा। सुनते ही ब्राह्मण ने संत को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फल हाथ में लेकर घर की ओर दौड़ लगा दी। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, देखो क्या सुंदर स्वस्वादु फल लाया हूँ, जल्दी से पालो, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़कर बोली, यह फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना दी। अब धुंधुली ने सोचा, भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चल रहा, मैं तो बहुत विचार के ही काम करती हूँ,
ऐसे ही इनकी तरह आंख मूंद कर विश्वास नहीं करती। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज आप अपना काम करिए, मैं अभी शुद्ध पवित्र होकर पूजा पाठ करके तब खाऊंगी। यों समझा बुझा दिया, फल देकर पंडित जी तो चले गए और आस पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगे, देखना आज से 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं, हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई, बोली, बहन धुंधली बैठी बैठी क्या सोच रही हो? धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत ही सुनाती हुई कहा कि बहन मैं बड़े संकट में पड़ गई, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस फल को खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसन ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात, तेरे भाग्य खुल गए जो संत की कृपा से फल मिल गया। फल भक्षेण गर्भ स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। धुंधली बोली, मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो यह बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, और यदि कमज़ोर हो गई तो फिर घर का काम कौन करेगा। पड़ोसिन बोली, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अरे अपनी ननद को बुला लेना, जब अपनी ननद बुआ बन जाती है तो बधाई तो देनी ही पड़ती है, इससे अच्छा तो यह है कि 4 महीने पहले से बुलाकर घर का खूब काम करवाओ, और काम कराने के बदले में जितना बने सो बधाई के नाम पर देकर विदा कर दो। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती मेरी ननद महाचोटी है, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ कर जाएगी, जिससे अच्छा है कोई नौकर रख लूँ, उसी से काम करवा लूँगी। अच्छा फल को तो मैं खा लूँगी, पर एक बात बताओ, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसिन बोली, तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, तू तो घर में आराम करना। धुंधली बोली, घर में आराम तो करूँगी, पर अचानक यदि भूकंप आ गया तब, या घर में ही आग लग गई तब, देखो बहन कब भागना पड़े कोई भरोसा नहीं, और कुछ भी दुर्घटना हुई तो सब तो भाग के अलग खड़े होंगे, और मरना तो मेरा होगा, मैं कैसे भागूंगी। दैवा घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। पड़ोसिन बोली, हे भगवान तू क्या उठपटांग बातें सोच रही है, यह सब सोचना बंद कर और भगवान का नाम लेकर फल खा ले। अच्छा बहन तू कहती तो अब मैं खा ही लेती हूँ, पर एक बात और बताओ, मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 12 साल तक रहे, क्या यह बात सत्य है। पड़ोसिन बोली, हाँ बहन सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। धुंधली बोली, हे भगवान कहीं मेरा बेटा 2-4 साल रह गया तो तदा में मरणम भवेत, मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। देखो बहन पहले तो बालक को जन्म देने में ही समझो कि माँ का ही दूसरा जन्म होता है, और जन्म सकुशल हो जाए तो लालने पालने दुखम प्रसूता यास्त वर्तते, बालक के लालन पालन में भी बड़े कष्ट, इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं। पड़ोसिन ने कहा, तेरी बुद्धि में जो आए सोकर। इस प्रकार समझा बुझाकर वह तो परेशान होकर बेचारी चली गई। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंततो गत्ता उस फल को खाया ही नहीं। पतिदेव लौटकर शाम को आए और पूछा, देवी फल खा लिया? धुंधली ने झूठ बोलकर पंडित जी को संतुष्ट करते हुए कहा, हाँ महाराज वह तो तभी खा लिया था। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली बोली, अरे बहन तू खूब आई, आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूँ, तू मेरा कुछ समाधान कर। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। अब छोटी बहन यही चाहती थी कि इसके कोई संतान ना हो, मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसे दे दूंगी तो इसका माल मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया, ए बहन बातों में मत आना, यह बाबा बैरागी
दुनिया को पागल बनाते रहते हैं। फल खाने में भी कभी कोई बेटा होता है, सब बकवास है। अरे मुझे थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम नहीं पड़ती, तो इस फल का प्रयोग तू अपनी गाय पर क्यों नहीं करती? बरसों से यह गैया तेरे घर में बंधी है, उस गाय को फल खिला दे, देखें क्या होता है। और तू अपनी चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भवती हूँ, अब की बार जो मेरे बच्चा होगा वह तेरा तुझे दूंगी। रही बात पतिदेव की तो थोड़ा पैसा दे देना, मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी, किसी को कानो कान भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा। अरे मुझ में तुझ में कोई अंतर है क्या बहन? धुंधली छोटी बहन की बातों पर प्रसन्न हो गई। बहन हो तो तेरे जैसी, तूने मेरी सारी समस्या एक क्षण में दूर कर दी, अपना बेटा जरूर दे देना। उसने बहन की बातों में आकर अपनी गाय को चुपचाप फल खिला दिया। पतिदेव को विश्वास दिलाती रही, महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है, पंडित जी बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने यह बच्चा गोद में लेकर अपने पतिदेव को दिखा दिया, देखो महाराज मुझे बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे। उसके ठीक 3 माह बाद जिस गाय को फल दिया था उस गाय के भी बेटा पैदा हो गया। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गाँव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, कहाँ तो एक बेटा नहीं था, अब देखो तो गाय ने भी बेटा दे दिया, दो दो बेटे हो गए। भाग्योदयो धुना जातो आत्मदेवस्य पश्यतो, धैन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। विधाता का तो कौतुक देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया, हमारे पंडित जी का तो भाग्योदय हो गया। लोगों ने खूब बधाइयाँ दी, बड़ा भारी उत्सव बना। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किया, गाय के पुत्र के कान गाय जैसे है इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच रहे थे कि धुंधली खड़ी होगी, सुनो जी 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बताओ क्या नाम रखना है? धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए तो ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त की, पर एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात। कियत कालेन तौ जातौ तरणौ तनयाबुभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। बालक ज्यों ज्यों बड़े होते गए गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधुकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ है सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस संजाता सह पंडिता। सत और असत का जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वह पंडित है। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़े सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। असोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सत असत का जिसमें विवेक हो वह पंडित है, ऐसे महान पंडित श्री गोकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधुकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया, घर का जितना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के बर्तन तक उठाकर बाजार में बेच दिए। अब तो पंडित जी सिर पकड़कर रोने लगे, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणास्तजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ, किसे अपनी व्यथा सुनाऊँ? ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर मर जाऊँ। प्राणास्तजामि दुःखेन,
पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। पहले भी मरने जा रहे थे क्योंकि बेटा नहीं था, आज भी मरने जा रहे हैं क्योंकि बेटा क्यों हुआ, यही विडम्बना है। जब अत्यंत दुखित होकर निकल पड़े तब गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। पिताजी की मनस्थिति को समझकर एकांत में बैठाए और समझाने लगे, पिताजी यह बताइए आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? यह संसार दुखालय है, सुख का केवल भ्रम है। पिताजी अब हमारी आपको तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोकों के अधिपति इंद्र से भी पूछिए तो वह भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी परेशान है। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी संसार में सभी दुखी हैं क्योंकि यह संसार दुख रूप है, सुखी तो केवल एक है जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त हो गया, जिसके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं रह गई, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है, बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने को निकाल ले। आत्मदेव ने पूछा, बेटा तो मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार में से मन हटाना चाहता हूं, पर मन लगता नहीं। गोकर्ण जी कहते हैं, इसका हम उपाय बताते हैं। देहे स्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिसु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं, उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता, इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह पांच भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया है तो आराम से रहो, पर तुम उस पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास न करो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, वह धक्का मारकर निकाल देगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इन पंच तत्वों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहें पर हम लोग तो कब्जा कर बैठे। कई बार कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता, इसलिए पिताजी देह पर बारंबार विचार करने से देहाशक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस मेद मज्जा स्नायु आदि से विनिर्मित है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्माबनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयो। ईंट गारे सब भरे पड़े हैं, दीवालों पर बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया इसलिए चमक मारने लगे, तो यही स्थिति तो इस भवन की है जिसमें हम देहात्म बुद्धि किए बैठे हैं। उस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेना यह पहली रस्सी है, और दूसरी जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। अरे जब देह ही हमारा नहीं तो देह के नाते हमारे कहाँ से हो जाएंगे, अतः उन सबकी ममता को त्यागना चाहिए। हमने मानव जीवन की यात्रा में जैसे ही अपने हमने यात्रा का शुभारंभ किया, गाड़ी में बैठे कि सहयात्री मिल गए, माताजी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, दादाजी, बाबा जी, काका जी, फूफा जी आदि सब हमारे जीवन के सहयात्री हैं। कल तक जिनको जानते भी नहीं थे और अब धीरे धीरे उनसे इतनी प्रगाढ़ता हो गई कि उनके बिना रह नहीं पाते।
यात्रियों से अत्यंत प्रीति हो गई। पर सफर में थोड़े आगे चले कि दादाजी का स्टेशन आ गया। स्मशान में जाकर विदा कर दिया, वह अपने घर चले गए। जीवन की यात्रा आगे बढ़ी तो अब विवाह हो गया, एक नया यात्री हमारे जीवन की गाड़ी में जुड़ गया जिसका अब तक पता नहीं था। यात्रा आगे बढ़ी तो पिताजी का स्टेशन आ गया, वह गए अपने घर और कुछ ही दिनों में बेटा हो गया। एक नया यात्री जीवन में फिर जुड़ गया। पुराने यात्री जाते जा रहे हैं, नए नए यात्री आते जा रहे हैं, जीवन का सफर चलता जा रहा है। पुत्र दारप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम, यह पांथ संगम है। तो यात्रा का नियम है, यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो ताकि यात्रा का आनंद आए, यात्रा कहीं भार ना बन जाए। इसलिए यात्रियों से मेलजोल करके स्नेहपूर्वक यात्रा करो, पर स्नेह आसक्ति इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि जब यात्रा पूरी होवे तो उन यात्रियों को छोड़ा ना जाए। अब टिकट पूरा हो गया, गाड़ी आपके स्टेशन पर खड़ी है, यहीं तक का आपके पास टिकट है और आप यात्रियों से बार बार मिलने में लगे हुए हैं। वाह, कितना मज़ा आया आपके साथ, अब आपको तो छोड़ने का मन नहीं हो रहा। और उधर गाड़ी चलने को तैयार, तभी काला कोट वाला टीटी आएगा और हाथ पकड़कर धक्का मारकर हटाएगा, निकलिए गाड़ी चलने वाली है, आप अभी तक उतरे क्यों नहीं। बुद्धिमान यात्री वही है कि स्टेशन पहले से ही एक स्टेशन पहले से ही बोरिया बिस्तर बांध ले और जिससे मिलना जुलना है पहले से ही मिल ले। स्टेशन पर गाड़ी आए तुरंत उतरिए, इसी में बुद्धिमानी है। उसी प्रकार जीवन के सफर में सारे यात्री तुम्हारे साथ हैं, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, परंतु जब सफ़र पूरा हो जाए तो उससे पहले ही तैयार हो जाओ, क्योंकि काला कोट वाला फिर यम का दूत आता है, वह फिर एक नहीं चलने देता, एक सेकंड का भी समय नहीं देता मिलने के लिए। विशेष समय मांगा जाए तब, इतने वर्ष मिले तब भी बात नहीं कर पाए, जो अब एक सेकंड मांगते हो तो भाई वह काला कोट वाला धक्का मारकर उतारे, इससे पहले अच्छा है कि तुम ही राजी राजी चल पड़ो, क्योंकि यात्रियों का संग तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के इस रहस्य को जो ठीक से जान ले वह यात्री बड़ा आनंद से यात्रा करता है। इसलिए पिताजी, अहमता ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत को अनित्य नाशवान और क्षण भंगुर समझो, एक पल का भी भरोसा नहीं। संसार में राग करके क्या मिला यह तो आप देख चुके, अब वैराग्य से क्या मिलता है इसका भी तो आनंद लेकर देखो। पिताजी, लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लो, कथा सुनने का लक्ष्य बनाकर आप घर से निकले। रास्ते में कोई इष्ट मित्र मिल जाए तो राधे राधे भी कर ली, दो बातें भी कर ली और फिर चल दिए व्यवहार निभाते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ो। ऐसा नहीं कि भाई इस समय कथा में जा रहे हैं, राम राम करने की भी फुर्सत नहीं। राम राम करने में कितना समय लगेगा, राम राम करने में तो कोई बुराई नहीं, परंतु इतने घनिष्ठता में बातें में मत उलझो कि बातों बातों में ही दो घंटे निकल गए और कथा का समय ही पूरा हो गया। निकले तो थे कथा सुनने और मार्ग में मित्र ऐसा मिल गया कि दो घंटे उसी की चर्चा में बीत गए, तो लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। उसी प्रकार आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लक्ष्य क्या लेकर आए थे, यह मानव तन उस परम तत्व को पाने के लिए मिला है, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। रही बात व्यवहार की, तो जीवन चलाने के लिए थोड़ी जीविका का भी आश्रय ले लिया, कुछ व्यापार भी किया आदि आदि। विवाह करके गृहस्थ जीवन बसाया तो उसका भी दायित्व निभाना चाहिए, परंतु जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। पर हम तो यही कर बैठे, जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, पर हमने तो जीवन को ही जीविका के लिए समर्पित कर दिया। अंतिम क्षणों तक जीविका का ही चिंतन करते करते पूरा जीवन निकाल दिया। भोजन देह यात्रा के लिए आवश्यक है, पर देह यात्रा भोजन के लिए तो नहीं है। यह शरीर भोजन के लिए धारण किया है या भोजन शरीर धारण करने के लिए किया है? आज हर व्यक्ति संपूर्ण जीवन
अपनी जीविका में ही गंवा देता है, जीवन के स्वरूप और लक्ष्य को भूल जाता है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जन्मना उसी का सार्थक है जिसका दोबारा जन्म ना हो, उसी प्रकार मरना भी उसी का सार्थक है जिसे दोबारा मरना ना पड़े। उसी का जन्म मरण सार्थक है, तो भगवत प्राप्ति के बाद जन्म मरण की ही छूट जाएगा, यही परम लक्ष्य है। परंतु जिन माता पिता ने जन्म दिया उनकी भी सेवा करो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यह भी आवश्यक है, यह लोक धर्म है। परंतु संसार के व्यवहार में हम इतने ना डूब जाएं कि जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाएं। गोकर्ण जी कहते हैं, इसलिए पिताजी मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का प्रेम और भगवत प्राप्ति। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो और संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी। संसारियों की संगति से संसार चित्त पर चढ़ता है और जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं, भगवत रसिक हैं, उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर जागृत होने लगेगा। नेताओं के साथ में रहना प्रारंभ करो, नेतागिरी अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। पहलवानों के संग उठना बैठना प्रारंभ करो तो पहलवानी आ जाएगी। जुआरियों के साथ बैठोगे तो पत्ते फेंकने आ जाएंगे। शराबियों के साथ संगति करोगे तो शराब पीना सीख जाओगे। ठीक इसी प्रकार से भगवत रसिकों का संग करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप जीवन में आता चला जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत, तो संतों का संग करने से क्या होगा कि भजन में मन लगेगा। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी भगवान की मधुर रसमयी कथा सुनिए, जिसकी चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं चित्त उधर ही खिंचता है। गोविंद के तो चरित्र ही खींचने वाले हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षति इति कृष्ण, जो मन को अपनी ओर आकर्षित करे उसी का नाम है कृष्ण। इसलिए भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करो। ऐसा करने से आपका चित्त अपने आप ही भगवत रसिक हो जाएगा। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया और एवं सुतोक्ति वसुतोपि ग्रहम विहाय या तो वनम स्थिर मतिर्गत षष्टि वर्ष युक्तो हरेरनुदिनम परिचर्यासौ श्री कृष्णमाप नियतम दशमस्य पाठात। सात वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई और तुरंत घर को त्याग कर वन को चला गया। संतों के बीच रहकर श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण आत्मदेव अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। अब पिताजी के बन जाते ही धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा। माताजी, पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप गए, जल्दी जल्दी बताओ माल कहाँ गड़ा रखा है, कितनी तिजोरियाँ छुपा रखी हैं। माँ बोली, बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है, अब तो बर्बाद कर दिया, अब फूटी कोड़ी घर में नहीं, मैं तुझे कहाँ से ला कर दूँ। डांटने लगा, झूठ बोलती हो, नहीं बताओगी तो जलती लकड़ी से बुरी तरह पीटूंगा। क्वा वित्तम तिष्ठति ब्रूही हनिष्य लत्तया नचेत। तब तो धुंधली रोने लगी, हाय यह क्या हो गया, अब तो निश्चित ही यह दुष्ट मुझे मारेगा, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ समय समझ में नहीं आया तो रात में घर छोड़कर भाग गई और कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। अंध कुआं में गिरकर रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। पिताजी संतों के साथ गए और माताजी कुआं में गिर गईं। गोकर्ण जी को लगा कि शायद अब हमारी बारी है,
अतः तीर्थ यात्रा करने के बहाने भाई को समझा बुझाकर गोकर्ण जी निकल गए। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल बचा अकेला, तो 5 गणिकाओं को बाजार से बुलाकर घर में बैठा लिया और निरंतर चोरी डकैती डालकर धन संपत्ति जो भी कमाता उन देवियों को लाकर सौंप देता। विचार कीजिए, यह आत्मदेव की कथा नहीं, हम सबकी कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला था यह ब्राह्मण आत्मदेव। उसी प्रकार यह हमारा शरीर भी तो तुंगभद्रा है। तुंग अर्थात श्रेष्ठ और भद्र अर्थात कल्याण। जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो वह तुंगभद्रा और वह हमारा मानव शरीर है। इसी में रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा ब्राह्मण आत्मदेव है। आत्मदेव रूपी जीवात्मा तो बेचारा भोला भाला है, पर यह संशयात्मिका बुद्धि रूपी उसकी पत्नी धुंधली बहुत खतरनाक है। एक दिन आत्मदेव जंगल में गया तो उसे भगवान की कृपा से संत का दर्शन हो गया। संत को जब अपनी समस्या बताई तो संत ने बहुत समझाया, पर आत्मदेव ने मानी नहीं। वरन आत्मदेव बोले, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें तो एक बेटा चाहिए। संत ने कहा, ठीक है, यदि बेटा चाहिए तो यह फल अपनी पत्नी को खिला दो, बेटा हो जाएगा। तो क्या पंडित जी ने फल खिलाया? पंडित जी ने तो स्वीकार किया कि खिला दूंगा और लाकर देवी जी को थमा दिया कि खा लेना। यदि अपने सामने ही लाकर खिला दिया होता तो आज गोकर्ण ही आत्मदेव का बेटा होता। धुंधकारी की तो समस्या ही घर में पैदा ना होती, परंतु गलती कहाँ हो गई कि खा लेना और धुंधली ने खाया नहीं। उसी प्रकार हम संतों के पास भी बैठते हैं, संतों का उपदेश सुन सुनकर हमें ज्ञान रूपी फल भी प्राप्त होता है। संतों के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दिव्य फल है। पर संत कहते हैं, जो प्रवचन सुन रहे हो इसे घर में जाकर जरा मनन पूर्वक अपनी बुद्धि को खिला देना, इसे अपनी बुद्धि में उतार लेना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर हम लोग कथा तो बड़े ध्यान से सुनते हैं और सिर हिले हिलाकर स्वीकार भी करते हैं। महाराज जी बहुत बढ़िया बात बोले, बहुत सही कहा, परंतु बुद्धि स्वरूपा धुंधली हर उस बात को जो सत्संग में बहुत अच्छी लग रही थी अपने कुतर्क से काटकर रख देती है। और एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम, जैसे धुंधली ने कुतर्क करके फल नहीं खाया, वैसे ही सत्संग में संतों से प्राप्त हुआ ज्ञान का दिव्य फल अपने कुतर्क की कैंची से यह बुद्धि रूपी धुंधली काट डालती है और उस फल को नहीं खाती। परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी घर में आ गया। सत्संग को जब तक हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक यह अज्ञान रूपी धुंधकारी हमें सताता रहेगा। परंतु एक बात ध्यान देने की है कि भले ही धुंधली ने फल नहीं खाया, पर उसी फल के द्वारा गोकर्ण पैदा हुआ, इसलिए आत्मदेव को रास्ता भी उसी ने दिखाया। इसी प्रकार सत्संग में अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, भले ही कुतर्क की बुद्धि हमें वह ज्ञान का फल खाने नहीं देती, परंतु सत्संग के सूत्र समय आने पर जीव का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। जब जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए कि कर्तव्य विमूढ़ता आ जाए कि क्या करें, अचानक यह क्या हो गया, हर प्राणी के जीवन में ऐसा क्षण कभी न कभी अवश्य आता है जब वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो पाता। उस समय जो सत्संग किया है वही सत्संग का कोई ना कोई सूत्र उसे मार्ग दिखाने के लिए प्रकट हो जाता है। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धुंधकारी ने बहुत दुनिया को लूटा और लाकर गणिकाओं को धन सौंपा। एक दिन इतनी संपत्ति लेकर आया कि देखकर ही पांचों देवियां आश्चर्यचकित हो गईं। पांचों गणिकाओं ने धुंधकारी को मजरा पिलाकर सुला दिया और रात में विचार करने लगे कि देखो कितनी संपत्ति लेकर आया है और आए दिन लाता रहता है, आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो यह निश्चित पकड़ा जाएगा। और जिस दिन इसकी पिटाई हुई तो उस दिन राजा के दरबार में हमारा भी नाम
जरूर लेगा कि मैं तो इन्हें सौंपता हूँ। तो संपत्ति भी यहाँ से जाएगी और अपने को भी कारावास की हवा खानी पड़ेगी। अब अपने पास धन पर्याप्त हो चुका है, इसलिए अब इसको ठिकाने लगाओ और जीवन भर आनंद करो। तो रात में ही धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देखकर पलंग में रस्सियों से बांध दिया, गले में फंदा डालकर जैसे ही पांचों मारने लगी कि धुंधकारी चिल्लाया। एक गणिका तुरंत गई और चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस कर भर दिए। तप्तांगार समूहांशो तनमुखे ही बिचिक्षिपु अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। आग के अंगारों से विकल होकर तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया और गणिकाओं ने गड्ढा खोदकर उसके शव को वहीं गाड़ दिया। धन का बंटवारा करके पांचों अपने अपने घर को चली। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं, ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयम बचो या साम कामिना मदसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषिताम। इधर गोकर्ण जी को यात्रा करते करते जब पता चला कि हमारे भैया भी परलोक सिधार गए, तो गया जी जाकर माता पिता और भाई का पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि किया। लौटकर जब गोकर्ण जी घर आए तो आते आते रात का समय हो चुका था। चुपचाप घर में जाकर थोड़ा सा स्थान साफ करके सो गए। सोते ही रात्रि में अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक वही भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने सावधान होकर पूछा, कौन हो भाई? लेकिन वह और जोर जोर से रोता रहा पर बोलता कुछ नहीं। संज्ञा मात्रम चकार रहा, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और उसके मुख पर मारा। तुरंत वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ, मैं अपने दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम यही है कि आज प्रेत बना भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं, भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामासु मोचयो। भैया, आप तो साक्षात करुणामय कृपामय हैं, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी अपने भाई की इस विकलता और पीड़ा को देखकर बोले, भाई, मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैंने गया जी में आपका विधिवत श्राद्ध किया है, तत्कथम नैव मुक्तोसी, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया जी में एक नहीं 100 पिंडदान भी करोगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तुर मे न भविष्यति। एक दो श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्धों से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं। गोकर्ण ने पूछा, भाई, और क्या किया जाए? धुंधकारी ने उत्तर दिया, अब यह तो आप ही सोचिए, मैं क्या बताऊँ। गोकर्ण जी बोले, हम तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से करेंगे, पर इस समय तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी अदृश्य हो गया। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण को नींद नहीं आई। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मणों को बुलाकर परामर्श दिया। जब कोई कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहा, तब गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य भगवान का स्मरण किया। तोभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हे तुकम। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी से आश्वासन दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को
श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और गोकर्ण ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो सब दौड़ पड़े। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह, उसी समय धुंधकारी भी एक साथ गांठ के पास में आकर बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच गोकर्ण जी ने व्यास पीठ पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ की। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, बाँस की प्रथम गांठ चटक गई, क्योंकि धुंधकारी उसी गांठ बाँस के भीतर प्रविष्ट होकर वायु के रूप में कथा मृत का पान कर रहा है। एक एक करके एक एक ग्रंथि गांठें चटकती गईं। एवं सप्त दिनैश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, सात दिन में उस बाँस की सातों गांठें चटक गई और दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडल अन्वितः। सात दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस सात गांठ के पास से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भाई? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य पुरुष बोला, भाई आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूँ। उस दिव्यता को श्री गोकर्ण जी ने देखते रह गए। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझे जैसे पतित प्रेतात्मा को भी परम पुनीत बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा। यह शरीर जो नाशवान है, प्रातः जो भोजन करते हैं वह शाम तक खराब हो जाता है, ऐसे अन्न से बनी हुई यह काया कितने दिन टिकेगी? ऐसी अनित्य काया को पाकर जो नित्य शाश्वत परम तत्व को जान ले, उसी मानव की मानवता सार्थक है। अन्यथा बुदबुदा एव तो येसु मस्का एव जंतुसु, पानी में बुलबुला पैदा हुआ और फूट गया, मच्छर पैदा हुए मर गए, ऐसे ही आप मानव शरीर पाकर खाने पीने सोने में ही समय समाप्त करके चले गए, तो उससे और हम में क्या अंतर? भगवान की यह मंगलमयी कथा संसार के समस्त प्रकार के पापों को प्रक्षालन करने में समर्थ है। कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी, सारे संसार का कीचड़ धुल जाता है। भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लंबी यात्रा करके पसीने से आपका शरीर लथपथ हो रहा हो, धूल मिट्टी पूरे शरीर में लगी हो, लेकिन गंगा मैया में जैसे ही गोता मारा कि गर्मी का पता ही नहीं चला कहाँ भाग गई और धूल मिट्टी भी सारी धुल गई, देह चमचमाने लगी। उसी प्रकार से जीव के मन का ताप और मैल दोनों ही भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने से धुल जाता है। धुंधकारी भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल में प्रकट हो गया और विमान से भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतरकर धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने के लिए आए। तो धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि नातेषां युगपत् कुतः। यहाँ हजारों श्रोताओं ने बराबर कथामृत पान किया तो आपने सबके लिए विमान प्रकट क्यों नहीं किए, एक ही विमान क्यों वालाए? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सेवैर्न तथा मननं कृतं, फलभेदस्ततो जातो भगवान् भवनादपि मानद। कथा तो सभी ने सुनी, परंतु मनन पूर्वक जो कथा मृत पान करना चाहिए वह केवल धुंधकारी नहीं किया। कुछ लोग समय पास के लिए ही कथा में आते हैं तो कुछ
छिद्रान्वेषण करने आते हैं, कोई व्यवहार निभाने आते हैं, परंतु वास्तव में जो आत्मकल्याण की भावना से कथामृत पान करते हैं वे निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है, पर यह भावना तो केवल धुंधकारी में ही थी। सब पार्षद विमान को लेकर धुंधकारी के साथ तो चले गए, पर सभी श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले, चिंता मत करो, अब की बार कथा का आयोजन फिर करेंगे। श्रावण मास में पुनः एक भव्य आयोजन किया, अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे, अब की बार चूक न जाए। तो गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते गीता गोलोकम योगि दुर्लभम। जैसे रामचंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुर वासियों अपने परमधाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। सनकादि कहते हैं, अब बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, तो बताओ धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था वह भी कथा मृत पान करके परम पावन बन गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो कौन से आश्चर्य की बात है। देवर्षि नारद सुनकर गदगद हो गए और बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न और कर रहा हूँ, भागवत कथामृत पान करने के नियम और विधि क्या है, कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा। सनकादिकों ने सबसे पहला यही नियम बताया। प्रायः लोग यही ज़्यादा पूछते हैं कि महाराज कथा करवाने का मन तो बहुत है पर इसमें खर्च कितना आएगा, तो वही खर्चा सनकादिकों ने सबसे पहले बताया। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे हम बेटी के विवाह की तैयारी धूमधाम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, ऐसे ही भागवत का समारोह अपनी सामर्थ्यानुसार भव्य दिव्य और बृहद करना चाहिए। जैसे बेटी के विवाह में कितना खर्चा आए ये पूछा जाए तो कोई बता सकता है क्या। हर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेटी का विवाह करता है, कोई थोड़े में तो कोई बहुत में। ऐसे ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार भागवत के समारोह भव्य और दिव्य करना चाहिए। ऐसे ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार भागवत का समारोह भव्य और दिव्य करना चाहिए, महोत्सव मनाना चाहिए। यदि सकाम अनुष्ठान किया तो किसी देवज्ञ से बहुत बढ़िया मुहूर्त पूछना चाहिए। यदि निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही कथा सुननी है तो मुहूर्त का कोई महत्व नहीं, जब मन में आवे तब सुनो। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करो, किसी वैष्णव साधु पुरुष वक्ता को ही व्यासपीठ पर बैठाओ जो समझाने में कुशल हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृह। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो जो द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें ताकि कथा में विघ्न बाधा न आए, और लघ्वाहार सुखावह थोड़ा भोजन करो ताकि कथा में कोई विक्षेप न हो, और जैसा शरीर हो तदनुसार व्रत लें। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो। यदि उपवास रखने से कथा में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम से भोजन करके आवें। लक्ष्य यह है कि कथा मृत में जैसे जैसे प्रीति हो, सुनने में जितना आनंद आए वैसा ही शरीर के सामर्थ्य के अनुसार नियम लें। वक्ता में साक्षात सुखदेव जी का दर्शन करें। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। इस भावना से सुखरूप व्यास का और व्यासपीठ का पूजन करें। कथा के समापन में श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन करें। जब नाम संकीर्तन की बात कही तो नारद जी ने अपनी वीणा को संभाल लिया। जितने श्रोता समुदाय में बैठे हुए भक्तजन थे वे अपनी अपनी योग्यतानुसार
संकीर्तन में भाग लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे। उद्धव जी ने मंजीरा संभाल लिया। श्री देवर्षि नारद ने वीणा पर मालकोष राग छेड़ दिया। अर्जुन बड़े भारी संगीताचार्य हैं, उन्होंने उसी राग रागनी में आलाप करना प्रारंभ कर दिया, पर बिना ताल के राग अधूरा सा ही है। अतः देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। सनकादिकों ने बीच बीच में जय हो बलिहारी बलिहारी कहकर संगीतकारों का उत्साहवर्धन करना प्रारंभ कर दिया। कहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं, सनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए और वह श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। अद्भुत व अलौकिक संगीतन होने लगा। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांसधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोवादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनेते कुमारा, यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। संगीत के तीन अंग हैं, गायन वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाले तो महापुरुष बहुत दिख रहे हैं, पर नाचने वाला कोई नज़र नहीं आता, तो उसी को पूर्ण करने के लिए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़कर संत समुदाय के बीच प्रकट हो गई और भाव में डूबकर नाच उठी। ननर्तबद्धे त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम अलौकिकम कीर्तनमेतदीक्ष हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीतत्। हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई अपने मधुर कंठ से आलाप कर रहा है, कोई मृदंग पर थाप दे रहा है। समस्त श्रोता समुदाय, संत समुदाय, भक्त समुदाय झूम झूम कर इस संकीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए हम आप भी अपने मन को भगवान के इस मंगलमय नाम संकीर्तन में समर्पित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।